प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। उन्होंने दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। सन 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका होकर आए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा बड़े विस्तार से कांग्रेस अधिवेशन में की। इसके साथ ही उन्होंने इन अत्याचारों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कराया। सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिका के विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीयों ने भाग लिया और $15,000 की राशि जमा की। इसी अवसर पर इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी गई और सन 1857 के गदर की स्मृति में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, मराठी और गुरुमुखी में शुरू हुआ। इसी गदर पत्रिका के नाम के कारण बाद में इंडियन एसोसिएशन का नाम गदर पार्टी हो गया। लाला हरदयाल ने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया। वो गदर पार्टी के मंत्री चुने गए और सोहन सिंह भाकना उसके अध्यक्ष। सन 1914 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, इटली, अमेरिका, जापान आदि अनेक देश इस विश्व युद्ध में कूद पड़े थे। इंग्लैंड भी इस युद्ध में शामिल हुआ और इस कारण युद्ध का असर भारत पर भी आया। देश के अनेक नेता इस अवसर पर ब्रिटिश शासन की मदद करने की बात कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय आदि अनेक नेताओं का कहना था कि अगर इंग्लैंड इस युद्ध में हार गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। किंतु दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटिश सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो भारत में भी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के उन्हीं सिद्धांतों को लागू करें जिनके लिए अनेक देश युद्ध कर रहे हैं। इसी समय लोकमान्य तिलक बर्मा की मांडले जेल से छूटकर भारत वापस आए। एक आयरिश महिला एनी बेसेंट ने भी इन्हीं दिनों भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। श्रीमती एनी बेसेंट बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। भारत आने से पूर्व इंग्लैंड में उन्होंने रूढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। उन्होंने मजदूरों के लिए भी आंदोलन चलाया था और भारत तथा आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। 1882 में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लावेट्स्की से एनी बेसेंट की मुलाकात हुई और वो उसमें शामिल हो गई। मैडम ब्लावेट्स्की की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख बनी। सन 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट भारत आईं। भारत के प्रति उनका प्रेम निरंतर बढ़ने लगा। भारत की धार्मिक, सामाजिक उन्नति और शिक्षा का प्रसार तथा राजनीतिक आजादी के कामों में उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली। सन 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन की प्रेरणा से मद्रास में होम रूल की स्थापना की। इससे प्रभावित होकर लोकमान्य तिलक ने भी अखिल भारतीय होम रूल लीग स्थापित की और जल्दी ही देश भर में इसकी शाखाएं खुल गईं। होम रूल के चार प्रमुख सिद्धांत थे: स्वदेशी वस्तुओं से प्यार और उनका सम्मान, विदेशी चीजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय पद्धति पर शिक्षा का संचालन और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। इस आंदोलन ने ही पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा का नारा बुलंद किया था। यह आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी।
और जून 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन और भड़क उठा। आखिर सरकार को मजबूर होकर श्रीमती एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन की भारी सहायता की थी। ब्रिटेन की सरकार ने भी बार बार घोषणा की थी कि वो संसार में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पराधीन राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए युद्ध कर रहा है। किंतु श्रीमती एनी बेसेंट ने लोगों को इस भुलावे में न आने के लिए बार बार आगाह किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था, भारत युद्ध के दौरान दिखाई गई राजभक्ति का इनाम नहीं मांगता। वो अपने बेटों के रक्त और बेटियों के आंसुओं के बदले में स्वतंत्रता की किस्तों का सौदा नहीं करता। वो तो एक राष्ट्र होने के नाते अपने अधिकार चाहता है और साम्राज्य की प्रजा की विभिन्न जातियों के बीच न्याय की मांग करता है। आपको याद रहे कि भारत क्या था। आपको जानना चाहिए कि ईसा के जन्म से 3000 पहले भारत वाणिज्य और व्यापार में महान था। श्रीमती एनी बेसेंट की ऐसी ही राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर सन 1917 में कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। किंतु जैसे जैसे विश्व युद्ध खत्म होने लगा, होम रूल आंदोलन भी कमजोर पड़ता गया और अंत में खत्म हो गया। किंतु इतना निश्चित है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनैतिक चेतना जगाने के लिए होम रूल आंदोलन का विशेष महत्व रहा है। जापान में रहने वाले भारतीय कामागाटामारू नामक जापानी जहाज पर कनाडा स्थित ब्रिटिश कोलंबिया की यात्रा पर निकले। वहां उन भारतीयों के साथ अत्यंत अपमानजनक व्यवहार किया गया। इससे परेशान होकर वो लोग भारत के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पड़ने वाले बंदरगाहों पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब वो भारत पहुंचे तो उन्हें यहाँ के बंदरगाह पर उतरने की भी अनुमति नहीं दी गई। आखिर किसी तरह कामागाटामारू जहाज हुगली बंदरगाह पर उतरा। वहां से उन यात्रियों को बज रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उनके लिए ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि उन्हें कलकत्ता या अन्य किसी स्थान पर न रुकने दिया जाए, बल्कि सीधे पंजाब भेजा जाए। उन थके हुए यात्रियों ने सरकार का यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई, जिससे 10 लोग मारे गए। जहाज यात्रियों के नेता गुरुदत्त सिंह अपने कुछ साथियों के साथ किसी तरह बचकर निकल गए। इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। ये थी दक्षिण अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी का भारत आगमन। गांधी जी के इस आगमन के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांधी जी हवा के उस तेज झोंके की तरह आए, जिसने हमारे लिए इस खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। 26 दिसंबर 1916 को लखनऊ में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन शुरू हुआ। इस समय तक गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने के कारण कांग्रेस की बागडोर नरम दल के हाथों में ढीली पड़ चुकी थी। यही कारण था कि लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष श्री अंबिका चरण मजूमदार के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्रीमती एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय आदि नेता एक साथ मंच पर बैठे। इसी समय तिलक का पुनः कांग्रेस में प्रवेश भी बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया गया। धीरे धीरे कांग्रेस पर लोकमान्य तिलक और उनके गरम दल का प्रभाव बढ़ने लगा। दिल्ली में दिसंबर 1918 में होने वाले कांग्रेस के 34वें अधिवेशन के लिए यद्यपि लोकमान्य तिलक को चुना गया था, किंतु उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, इसलिए अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने ये सोचा था कि पहले देश की वास्तविक स्थिति से परिचित होने के लिए उन्हें एक वर्ष शांतिपूर्वक बिताना चाहिए। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर आश्रम स्थापित किया। बिहार में उन दिनों नीलहे गोरों द्वारा किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे।
इसकी जांच के लिए सन 1917 में गांधी जी चंपारण गए। यहीं पर युवा राजेंद्र प्रसाद पहली बार उनके संपर्क में आए। गांधी जी के विचारों और जीवन शैली ने युवा राजेंद्र पर इतना जबरदस्त प्रभाव डाला कि उसी दिन से वो गांधी जी के भक्त बन गए। चंपारण के जिलाधीश ने आज्ञा जारी की कि गांधी जी तुरंत जिला छोड़कर चले जाएं, किंतु गांधी जी ने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस कारण उन पर मुकदमा चलाया गया, किंतु गांधी जी की दलीलों के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें नीलहे गोरों द्वारा किसानों पर किए जा रहे जुल्मों की जांच करवाने की अनुमति मिल गई। उधर गुजरात में खेड़ा के किसान लगान देने की हालत में नहीं थे, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। गांधी जी ने आकर इस मामले को भी सुलझाया। इससे गुजरात के किसानों में जागृति का श्री गणेश हो गया। अंग्रेजी शासन के बढ़ते हुए अत्याचार, गरीबी, बीमारी, भुखमरी और भारतीय सिपाहियों की सेना में जबरदस्ती भर्ती के कारण देश की जनता में भारी असंतोष छा गया था। यह संतोष कहीं विद्रोह का रूप न ले ले, इसलिए ब्रिटिश शासन ने सन 1917 में जस्टिस रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति का काम ऐसे कानून बनाना था जिनसे भारत में किसी भी तरह के विद्रोह को कुचला जा सके। समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 में विधान परिषद के सामने दो विधेयक रखे गए। इन दोनों विधेयकों के खिलाफ देश भर में असंतोष फैल गया। इसके बावजूद भी एक विधेयक पारित कर दिया गया जो रोलेट एक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के बहाने अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा आदि चलाए जेल में बंद करके रख सकती थी। सारे देश में इस कानून के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। इसे काला कानून कहा गया। गांधी जी इसी समय पहली बार भारतीय राजनीति में खुलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ होकर सामने आए और उन्होंने जनता से अपील की कि 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल की जाए, रोलेट एक्ट पास करने के खिलाफ शोक दिवस मनाया जाए। गांधी जी ने वॉयसराय को स्पष्ट लिखा था कि उनके मार्ग में हिंसा का कोई महत्व नहीं है। इस सत्याग्रह अभियान का उद्देश्य राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन और मनुष्य की नैतिक शक्ति की प्रतिष्ठा करना है। 6 अप्रैल को सारे भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक हड़ताल हुई। बंबई में समुद्र के किनारे चौपाटी पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांधी जी उस भीड़ में थे और सरोजनी नायडू उनके साथ थी। गांधी जी की जिन पुस्तकों पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगाया था वो वहां खुलेआम बेची गई और अंग्रेज अधिकारी परेशान खड़े देखते रहे। देश के अन्य शहरों की तरह अमृतसर में भी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए शांतिपूर्ण जुलूस निकला। इस पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे लोगों को मार दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा का मैदान चारों ओर से मकानों की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। केवल एक सकरा रास्ता था जिस पर ब्रिटिश सेना के कमांडर जनरल डायर ने फौज लगा दी। जब सभा चल रही थी तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सभा में आए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग में लाशों के अंबार लग गए। इस क्रूर हत्याकांड के विरोध में न सिर्फ भारत का चप्पा चप्पा प्रभावित हुआ बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हिल उठी थी। इसके बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन का रुख ही बदल गया। अंग्रेजों की न्याय प्रियता के प्रति गांधी जी तक का विश्वास उठ गया और वो सहयोग से असहयोग की ओर बढ़ चले।